Hello everyone, let's continue our lecture. We were studying about folk dances of Jammu and Kashmir की हम बात कर रहे थे और हमने folk dances of Kashmir province already discuss किया है in our previous lecture. Now let's continue with the folk dances of Jammu province. And the first dance form is Kud. Kud जो है ये ritual dance है जो परफॉर्म किया जाता है किसको रिस्पेक्ट देने के लिए जो भी लोक देवताज हैं लोक देवताज को रिस्पेक्ट देने के लिए उनको ऑनर करने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है और ये मोस्टली रात को परफॉर्म किया जाता है नाइट में और अराउंड द फायर जो अग्नि देवता है जो अग्नि है उनके आगे पीछे चक्कर लगाए जाते हैं और उसमें ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं नरसिंहा छैना फ्लूट और ड्रम्स इसमें यूज किए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो कुछ जो है ये लोक देवता को रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है परफॉर्म रात को किया जाता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेक्स्ट वी हैव हेरन हेरन इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ये भी एक डांस की फॉर्म है और ये लोहड़ी फेस्टिवल में परफॉर्म की जाती है किया जाता है हेरन और हिली रीजन्स में मोस्टली कहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू के वहां पे परफॉर्म किया जाता है हेरन नेक्स्ट थर्ड वन इज गीतरू गीतरू जो है ये भी एक डांस कम सॉन्ग मिक्सचर है डांस भी और सॉन्ग भी इसमें गाया जाता है और ये डोगरी पहाड़ी इलाके में डोगरा पहाड़ी रीजन में गाया जाता है और परफॉर्म किया जाता है और कौन परफॉर्म कब परफॉर्म किया जाता है इनको दावत अगर हो कहीं पे फीस्ट या फिर कोई त्योहार हो या फिर कोई शादी हो तब ये परफॉर्म किया जाता है गीतरू और कौन परफॉर्म करते हैं ये मोस्टली रूलर फोक पार्टीज ऑफ द रीजन जो रूलर एरियाज के लोग हैं मोस्टली विलेज एरिया के फार फ्लंग एरियाज जो कंट्री से थोड़ी सिटी एरिया से जो दूर होते हैं जो एरियाज वहां पे परफॉर्म किया जाता है ठीक है फिर दंदेरस दंदेरस एक डांडिया की है आई थिंक एक फॉर्म है डांडिया की तरह ही होता है और ये लोहड़ी फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है एंड इसमें क्या होता है दंदेरस में जो एफजी है पिकॉक का इसमें जो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं हर एक ग्रुप ने पिकॉक का पिकॉक जो है मोर का एक पुतला पकड़ा होता है और हर एक इंसान के पास हर एक मेंबर के पास स्टिक होती है उसके हाथ में और हर एक डांसर जो है वो क्या करता है हिट्स द स्टिक कैरिड बाय द अदर ग्रुप जैसे डांडिया खेलते हैं ना एक पर्सन के पास स्टिक होती है और वो दूसरे पर्सन की स्टिक को हिट करता है तो वैसे ही ये एक डांस फॉर्म है दंदेरस ऑलराइट नेक्स्ट हमारा है डोगरी बांगड़ा ये भी एक पंजाब के बांगड़ा की तरह ही है ये डांस पंजाब का जो परफॉर्म किया जाता है जम्मू रीजन में कहाँ पे जो प्लेन है आउटर प्लेन्स है जम्मू रीजन के वहां पे परफॉर्म किया जाता है और ये कब परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स में मेले में परफॉर्म किया जाता है डोगरी बांगड़ा और इसमें क्या किया जाता है इसमें जो परफॉर्मर है उनके हाथ में स्टिक होती है और एक रुमाल होता है एंकर चीफ होता है और वो सर्कल में डांस करते हैं जैसे ही ड्रम बजता है और साथ में इनका डांस परफॉर्म होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है फूमिया फूमिया जो है जिसका मतलब है ब्लूमिंग जैसे फ्लावर ब्लूम करता है वैसे ही डांस परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स इसमें डांसर क्या करते हैं अपने फिंगर्स जो हैं वो ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं लाइक ऐसे ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं आप मुझे परफॉर्म तो इतना आता नहीं है आप यू कैन व्यू दिस इन द यूट्यूब सो ब्लूमिंग मतलब है फूमिया का और ये फोक डांस है ये भी जम्मू तीज परफॉर्म करते हैं और इसमें डांसर्स क्या करते हैं अपनी फिंगर्स को ओपन क्लोज करते हैं आपने देखा होगा ये और इसका क्या मतलब है कि इसको सिंबलाइज करने के लिए किसको रिलेट करने के लिए फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं ब्लूम करते हैं उसी को सिंबलाइज करने के लिए डांस परफॉर्म किया जाता है देन जगराना जगराना जो है ये एक मैरिज सॉन्ग कम डांस है व्हाट इट मीन्स ये सॉन्ग भी का और डांस का मिक्सचर है इसमें क्या होता है जगराना कौन करता है परफॉर्म जो ग्रूम है जब ग्रूम के जो रिलेटिव हैं उसमें मोस्टली फीमेल्स परफॉर्म करती हैं इसमें वो गाना गाती हैं डांस करती हैं कब तक जब तक ग्रूम जो है अपनी इन लॉज के घर से वापस ना आ जाए तब तक ये जगराना जो है ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है और गाना गाया जाता है कौन ग्रूम के ही रिलेटिव गाते हैं मोस्टली फीमेल्स गाती हैं ठीक है
बैंथे जो है ये भी एक सिंगिंग है, ये ग्रुप में गाना गाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैंथे कौन गाता है? जो गुजर्स और बकरवाल्स होते हैं, ये कुछ ट्राइबल पीपल गाते हैं, गुजर्स और बकरवाल्स। और इसमें क्या होता है, कौन परफॉर्म करता है? 5 या 7 मेंबर्स होते हैं जो ग्रुप में गाना परफॉर्म करते हैं। तो दिस वॉज बैंथे। नेक्स्ट वी हैव सुरमा, दिस इज द लास्ट डांस फॉर्म ऑफ जम्मू प्रोविंस। सुरमा सॉन्ग कम डांस इन डोगरी, ये सॉन्ग भी है और ये डांस भी मिक्सचर है दोनों का, जिसमें जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो न्यूली वेडेड होते हैं, जिसमें जो फीमेल होती है गर्ल, उसके दुख के बारे में बताया होता है। कब? जब उसका हस्बैंड जो है आर्मी में गया होता है, तो काफी दुख मतलब काफी एंग्विश होती है उस टाइम पे वो, तब ये डांस और सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है बाय न्यूली वेडेड जो मैरिड गर्ल है वो परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें डांस फॉर्म में यही और सॉन्ग में यही बताया जाता है कि शी इज अर्निंग फॉर रीयूनियन, वो वापस से अपने जो हस्बैंड है वो उससे मिलना चाहती है जो आर्मी में गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट डांस फॉर्म ऑफ जम्मू प्रोविंस। द लास्ट वन वी हैव फोक डांसेस ऑफ लद्दाख। इन लद्दाख फर्स्ट वी हैव जबरो। जबरो भी एक डांस फॉर्म है, और ये कौन से एरियाज में, लद्दाख के कौन से एरियाज में परफॉर्म किया जाता है? चांगथांग एंड रोंग, ये दो एरियाज है, चांगथांग एंड रोंग, यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, लद्दाख के एरियाज हैं। इसमें दोनों मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ये परफॉर्म करते हैं रोज में या सर्कल में। और इसमें क्या होता है, डांस स्लीपिंग हैंड इन हैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसमें क्या करते हैं, अपना हाथ आगे और पीछे करके ये डांस परफॉर्म किया जाता है, साथ में एक सॉन्ग भी गाया जाता है जबरो में। ये लद्दाख का डांस फॉर्म है। नेक्स्ट एले यते भी एक डांस है जो शेफर्ड्स परफॉर्म करते हैं। कब परफॉर्म करते? जब ये फ्लॉक्स के साथ ग्रुप में निकलते हैं ना अपने फ्लॉक्स के साथ, तब ये परफॉर्म करते हैं। और कौन से एरिया में परफॉर्म किया जाता है? लद्दाख के जंस्कर एरिया में परफॉर्म किया जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव द्रगपा रिचेस। द्रगपा रिचेस जो है ये कौन परफॉर्म करते हैं? दर्द्स। ये दर्द्स जो ये लोग जो है आर्यन ओरिजिन के, जिनका ओरिजिन कहा जाता है आर्यन से बिलोंग करते हैं, ये दर्द परफॉर्म करते हैं। और ये कहाँ पे सेटल हो गए थे? आके द्रास में और गोरखा एरिया में, जो लद्दाख का एरिया, इन दोनों एरियाज में ये दर्द सेटल हुए थे और ये दर्द ही परफॉर्म करते हैं द्रगपा रिचेस। और इसमें क्या यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट? एक बड़ा सा ड्रम, दमन एंड सरना, ये दो ड्रम यूज किए जाते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसको प्रेजेंट करते समय यूज किए जाते हैं द्रगपा रिचेस। नेक्स्ट हमारा याक डांस। याक डांस में क्या होता है, इसमें दो आदमी जो है वो याक की स्किन के साथ ये कुछ डांस करते हैं, याक की स्किन के अंदर आई थिंक ये कुछ ऐसा ही डांस होता है। और ये डांस विद जेंटल एंड रिदमिक मूवमेंट्स, तो इन्होंने याक की स्किन के अंदर अपने आप कवर किया होता है और कुछ रिदम के साथ ये डांस करते हैं। ऑलराइट, याक डांस। ठीक है, डेविल डांस। डेविल डांस जो है ये भी इनका धार्मिक कोई डांस है, लद्दाख में ही है ये, लद्दाख का धार्मिक डांस कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, जो लामा मैजिशियन है, जो लामा जादूगर है, वो क्या करता है, वो डांस करता है किसकी प्रेजेंस में? जो हेड होता है, हेड लामा, उनकी, उनके हेड की प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में ये डांस किया जाता है, लामा मैजिशियन करते हैं। और कहाँ पे? उनका जो टेम्पल है गोम्बा, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। माना जाता है कि ये डांस क्यों परफॉर्म किया जाता है, जो आदमी है उसका जो डेविल है या डेमन है उसके अंदर जो राक्षस है उसको भगाने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फोक डांसेस ऑफ J&K। होप इट इज ऑल क्लियर टू यू एंड थैंक यू।